मीरा क्या खाने लगे हो? चाय किसने बना के दिया? और ये अच्छे किस मुखरे में खाना है? बूजी मी ना बूजी बूजी मिलो बूजी इधर तो देख बूजी बहुत मजे का वाह मिया चाय पाता खाने लगे भाग जा भाग जा मिया चाय पाता चाय भी मनवाना ठंडी की है। हाँ। ये देखें जी ये पराठा बन गया ये चाय बन गई और हम मियाँ के मुखरे में छोटे से मुखरे में चाय पाता डालेंगे। मियाँ कैसे रो रही थी चाय पाठे के लिए? कैसे ऐसे तो नहीं आप तो ऊंची ऊंची रो रहे थे। इस टाइम जी रात के 4 बज रहे हैं और इस मोहतरमा को चाय पाठा खाना था और इसने रो रो के हमारा जीना हराम कर दिया और हम लोग बिस्तर से निकल के इसको चाय पाठा बना के और अब इसको लगे हैं खिलाने। 4 बज गए अभी तक ये सोई नहीं है, पता नहीं कितने बजे सोती है, फिर सुबह इतनी लेट उठती है। ये अजीब मोहतरमा है हमारी, अजीब 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 अजीब। गुड मॉर्निंग, कैसे हम सब लोग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई जी आज 31 दिसंबर है और ये साल भी ख़त्म हो गया। बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम, बहुत सी चीज़ें खोई, बहुत सी चीज़ें हासिल की, तो बस इसी का नाम है ज़िंदगी। और सबसे प्यारी चीज़ हमने अपनी किधर है काम, सबसे प्यारी चीज़ हमने अपनी ये हासिल की। हाँ जी हाँ जी हाँ अनु आ गई। अच्छा जी भाई लोगों हुआ क्या कि इस मोहतरमा ने सुबह 4 बजे पराठे का शोर डाला, इसको पराठा खिलाया, सोते सोते 6 बज गए और अभी मैं 2 बजे उठी हूँ और अब नए साल की सेलिब्रेशन करेंगे। पिछला साल गुजर गया, नया साल सेलिब्रेट करेंगे। मीरा मेरी जान आ गई आ गई। हाँ जी आ गई। तो अभी क्या है कि मैं आज हमारा प्लान कुछ ऐसे है कि हम लोग शहर के घर पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक कटिंग करेंगे और कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे और मैं अभी ऑफिस जाऊंगी, अभी खाना खाऊंगी, नाश्ता करूंगी, तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि ये भी बहुत तंग कर रही है जी। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और अब निकलने लगी और आप सब लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने बहुत अच्छे से ड्रेसिंग कर ली है। बेसिकली मैं पहले इतना ज़्यादा तैयार नहीं होती थी लेकिन शहर ने मेरी रज के कुत्तों वाली की और कहा कि तैयार हो क्या है करो, मेरे पास मसलन बन के ना आया करो। तो इसीलिए अब मैं वैसे चाहे मसलन बन के रहूँ लेकिन जब मैंने उसके पास जाना होता है तो मैं तैयार श्यार होकर जाती हूँ, वरना मेरी बहुत बिस्ती होती है। ये रह गया था मन की, इसको भी पहन लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाला जो ऊपर वाला ये जो ब्लेजर है ना, ये मैंने लिया है नेगेटिव से क्योंकि आजकल ये चेक स्टाइल बहुत इन है और बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने लिया है नेगेटिव से, ट्राउज़र मैंने लिया है सफ़ायर से, ये मैंने लिया है लिंडे से। तो हम लोग मिक्स पहनते हैं क्योंकि मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। तो चलिए जी अब वहाँ जाके मिलते हैं। 2023 है और 4 लोग हैं। और कितने गए? 2500 गए। कमाल है, सामने वाली साइड पे 700 रुपए का वो दे रहे हैं, आप 2500 का दे रहे हैं। 700 का अभी छोड़ा है उनसे हमने, ये जो अभी मैंने आपको सीन दिखाया है ये सीन ही है कि हमने सोचा कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो 2013 के बलून्स ले लें। पहले हमने एक जगह पे रोका तो वो कहता है कि जी 3000 रुपए के 2023 का बलून है, मतलब क्या। अब हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की, वो दूसरा कहता नहीं नहीं रुके रुके मैं आपको बताता हूँ, इनको नहीं पता मैं बताता हूँ बताता हूँ। अब वो कहता 700 का ले लें। कैन यू बिलीव इट, 3000 और 700 कितना फ़र्क है। हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे, हमने कहा कि चलो घूम के ना ऊपर से ले लेते हैं। अब हम जब घूम के दूसरी साइड पर आए उससे रेट पूछा, वो भी कह रहे 3000, मतलब क्या ये 2023 आ रहा है, क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। लोगों इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, DHA में तो एक्सट्रीम रेट होते हैं।
500 वाली चीज ये 5000 की कर देती है। इधर देखो, इधर देखो। ये कह रही है मुझे व्लॉगिंग करने नहीं आती, इसको मैं सिखा रही हूँ। इधर देखते होते हैं। अच्छा। ओके? ओके अब शादी के बाद तुमने व्लॉगिंग करनी है, तुमने इधर देख शादी के बाद व्लॉगिंग करनी है। हाँ तुम्हें शादी के बाद व्लॉगिंग अबाउट इट। अच्छा जी, इसकी शादी है और ये कह रही है कि मैंने दूध पिलाई नहीं, देने देनी अपने मियाँ को। हाँ। क्योंकि पैसे खर्च होते हैं, इन लोगों में रिवाज नहीं है। यह हमारे पे देने का नहीं है, सिर्फ लेने का। लेने का रिवाज शादी पे है। ये रिवाज चलाएंगे। जेब आप भी सुन ले, लड़की वालों में सिर्फ लेने का रिवाज होता है, देने का कोई रिवाज नहीं, क्योंकि वो लड़की दे देते हैं। हाँ देखो इतनी चीज दे रहे हैं बस, काफी और क्या देना है। बस अभी 12 बज गए हैं, अब हम लोग केक कट करने लगे हैं। और वो 12 बजे वो ईमान है। हाय ईमान, इसके सबसे एंड पे शादी होनी है फिलहाल, इसने हम सबको लूटना है। मेरी बर्थडे ना, मेरी विशेस आ रही है। हाँ हाँ 12 बज गए, इसकी बर्थडे, इसकी विशेस आ रही हैं। और अभी चलो बाहर निकलो ना, ये आ गई हैं। बाद में अपने व्लॉग कर ली, पहले बाहर निकल चल। अल्लाह माफ करे, ये बंदी जलती है मेरे से। हाँ यार मैं तेरे से जलती हूँ। भाई किधर है? सैमी किधर गया? सैमी ये रहा, सैमी के पास ही है। भाई जी केक कैसा था? बहुत अच्छा, मेरे वाला बहुत अच्छा केक। इसने बनाया था, मैंने बनाया था, ये मैं लेकर आई थी। पिंक था, मुझे खिलाया था दो, थोड़ा सा। नहीं ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा वो बहुत अच्छा, वो तो मुझे पता, वो ले। ये नहीं अच्छा। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं यार ऊपर से पिंक पे लिखा हुआ है, क्या बात है। हाँ इसलिए मत खाना। बड़े अकलमंद बंदे ने कोई और ना खाए। आपको पता है इस बात का? तो क्यों खा रहे हो? थैंक यू फिर। यहाँ से पूरा हाफ केक किधर गया? किधर गया? तुम बताओ, तुम लेके आई हो, ये तुम्हें पता। हाफ केक किधर गया? यार मैं तो क्या लाके। हाँ हमने नई फ्रिज ली है। मैं फ्रिज में चेक करके आऊँ। कर रहे हैं लॉक कर ली चाबी भाई। बस ये वाला पार्ट रह गया था। हमने सेल्फी उठा ली, इधर से देना, मेरी शक्ल आ रही है। आपके अलावा सब अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा नीचे करो। ऐसे ओके, अब जब मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं चली गई हो। नहीं आ रही है, नहीं आप चली गई है। यार फ्रेंड से मिलना, अब आ रहे हैं। फ्रेंड से बना लेती हूँ। सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि आपको बहुत बड़ा तोहफा मिला है। मुझे मेरी बेगम मिल गई है। तो आप लोगों को भी, आप लोगों को भी भाई मिला है। और हमें हमारे बंदे भी मिल रहे हैं। उसको कह रहा है कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। और अभी भी मिला था, अभी निकाह का भी हम आपको ज्यादा अच्छे से कांग्रेचुलेट करेंगे। ओके जी, कहाँ जा रही हो? कुछ पहन लो, फैशन के पीछे मरने वाली आवाम। मिशी को लेने जा रही हूँ। मिशी को क्या है? मुझे कह रही हूँ खुद क्या पहना हुआ इसने। मिशी को कि सिमी को? मिशी को, मिशी सिमी को मिसी कहती है। मिसी निक्की को मिसी कहती है ना। देखो सिमी मिसी। अच्छा ये पहले कॉल पे कर रही है, निक्की में आ रही हूँ। मैं सोच रही कौन निक्की। ओके बाय बाय। देख लें, ये लोग कहते हैं ना ये मुझे वैल्यू नहीं करती, मुझे चुमिया कर रही है। लोग बकवास करते हैं, फोटो डलवाते हैं। फोटो ये जो लोग ये जो लोग कहते हैं ना वो फोटो डलवाते हैं, लोग फुफियां बन जाते हैं। ओके भाई, ओके बहन, बहुत सारा ख्याल रखना।